पता नहीं वो अपने आप को क्या समझती है, कैसे कपड़े पहनती है। बहुत मोटी है वो, कितना गोरा है वो लड़की, इतनी गोरी नहीं होनी चाहिए। छी छी, इतना पुराना गंदा मोबाइल इस्तेमाल करते हो। तुम्हें पता है वो शर्मा जी की लड़की, हाँ वो दूसरे जात वाले के साथ भाग के शादी की है। Who gives you this right? ये सब जो करते हैं ना लोग दूसरों को जज करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए, आज का टाइटल है डोंट जज, ओके, JUDGE, जज, ये आज का निमोनिक है। पहली बात तो आप ना भगवान हो, ना आप किसी कोर्ट में बिठाए गए जज हो, तो आपको किसी के बारे में कोई भी जजमेंट देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सो जस्ट शट अप, ओके। दूसरों को अपनी लाइफ जीने दो, आप अपनी लाइफ जियो। अगर अपनी लाइफ से ऊब गए हो तो जाओ हिमालय में जाओ, कहीं तुम्हें जाके संन्यास ले लो। लेकिन दूसरों के लाइफ के बारे में क्यों बोल रहे हो? कौन क्या कपड़े पहन रहा है, कौन कैसे दिखता है, किसका किसके साथ प्यार हुआ है, कौन अपने घर में क्या झगड़ा कर रहा है। अरे लोग तो बोलते हैं यार इसको बिजनेस करने को आता नहीं। तुमने कभी बिजनेस किया है? हाँ, तुमने कभी बिजनेस किया है? सो डोंट जज। जजमेंट पास करना आसान होता है, इसलिए सबसे पहले जे, मुझे तो बहुत बार लगता है कि जो जजमेंट पास करते, जो दूसरे के बारे में ओपिनियंस बनाते बैठते हैं, वो या तो जे फॉर जेलस है या स्टूपिड है, वो या तो जलते हैं। तो आपको फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वीडियो बना रहा रोज, अगर कोई मेरे बारे में भला बुरा बोलता भी है, जज भी करता है, यार इसके पास तो बहुत खाली टाइम बहुत होगा इसके पास, शायद वो नहीं बना पाता वीडियो इसलिए मेरे बारे में ऐसे उल्टा बोल रहा है। कोई तो भी अगर कल्याण का लड़का IPL में खेलने के लिए सिलेक्ट हो जाता है, उसके सिलेक्शन होने के पहले लोग उसके पढ़ाई ना करने और क्रिकेट खेलने के बारे में दुनिया भर की बातें कर रहे थे, लेकिन वो सिलेक्ट हो गया तो वही जज उल्टे हो गए, वही जज घूम गए। सो आइदर यू आर जेलस और यू आर स्टूपिड और यू आर बोथ। तो जो लोग जज करते हैं, या आप या तो जलते हैं, बट याद रखिए जलो मगर दीप जैसे, या फिर आप निहायत ही बेवकूफ है, निहायत। हाँ, आप किसी कॉन्टेस्ट में जज के रूप में बुलाए गए हो, वहां आप जज बन के बात करो, ठीक है। आप कोर्ट कचहरी में बैठे हो, वहां आप जज बनो, ठीक है। लेकिन आपका कोई अधिकार नहीं है, ना कानूनन ना नैतिक, छोड़ा। हाँ नहीं, उसके बाद जज का यू, ऐसे लोगों को ना मैं ये बोलता हूं जो दूसरों के बारे में कमेंट्स पास करते बैठे, जजमेंट पास करते बैठे, यू लुक इनसाइड। तू क्या है रे? तुम क्या चीज हो जो दूसरों के बारे में बोल रहे हो? तुम खुद कौन से परफेक्शन का बड़ा मूर्ति हो? तुम कौन भगवान हो? तुम क्या फिजिकली मेंटली सब तरह से सर्वगुण संपन्न हो क्या? तो तुमको क्या अधिकार है दूसरों के बारे में बोलने का? तुमको ये पता नहीं कि कभी कभी तुम्हारे किसी लूज स्टेटमेंट की वजह से किसी नौजवान का जिंदगी भर के लिए आत्मबल टूट सकता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठेगा, कोई जाके जान दे सकता है, सुइसाइड कर लेगा, कोई जिंदगी भर के लिए कोष में चला जाएगा, खुल के बात नहीं करेगा, और कोई शायद तुम्हारे टोकने की वजह से, तुम्हारे जजमेंट की वजह से, तुम्हारे दूषण देने की वजह से, कोई शायद गुनहगार भी बन सकता है, क्रिमिनल भी बन सकता है। सो पहले अंदर देखो रे, अंदर झाको, अपने अंदर की मैल को पहले साफ करो। जज करना है ना अपने आप को करो, फिर दुनिया के बारे में जजमेंट पास करो। सॉरी मैं थोड़ा सा आज ज्यादा तीखा बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत घिन आती है ऐसे लोगों से जो जजमेंट पास करते हैं, दूसरों के बारे में जज बनते हैं। अच्छा, और एक चीज, कोई अगर गे है, कोई अगर बाइसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअल है, कोई ट्रांसजेंडर है, वो उनका जिंदगी है। तुम कौन हो उनके बारे में बात करने वाले? तुम कौन हो जजमेंट पास करने वाले? तुम ट्रांसजेंडर नहीं हो, तुम होमोसेक्सुअल नहीं हो, तुम हेटरोसेक्सुअल हो, तुम एक मर्द हो और एक औरत से, औरत के साथ फैमिली चला रहे हो, या उल्टा, ठीक है ना? तू तेरा देख, वो तेरा लाइफ है, दूसरों को अपना लाइफ जीने दो, ठीक है?
जजमेंट पास करना नहीं, खबरदार। हाँ वो उधर ऊपर के दरबार में या तो भगवान के या यूनिवर्स के दरबार में बहुत पिटोगे, बहुत पिटोगे। वहां जो जजमेंट पास होगा ना, करारा थप्पड़ होगा। देन डी, अभी मैंने बोला ना जेलस होते कुछ लोग, उनको लगता है कि मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, इसको सक्सेस मिला, इसका चैनल बढ़ गया, इसके हजारों फॉलोअर्स हो गए, उसको अच्छा गोरा चिट्टा दिखने वाला पति मिला, इसको तो अच्छी नौकरी मिल गई, ब्ला 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 ब्ला। अगर आपको उनसे गाइडेंस चाहिए तो उनको जाके पूछो, नहीं नहीं जब तक आपका ईगो बच जाता है ना, तो प्लीज डी फॉर डिजर्व, डिजर्व देन एक्सपेक्ट। आप पहले डिजर्व कीजिए, आप पहले उस लायक बनिए, उस काबिल बनिए कि आपको वो सब चीजें मिले जो उनको मिल चुकी है, तब तक आप एक्सपेक्ट करना यानी पागलपन है, ठीक है। सो डोंट एक्सपेक्ट व्हेन यू डोंट डिजर्व, पहले डिजर्व करो, ओके। आप उस लायक बनो, काबिल बनो। कामयाबी छक मार के आपके पीछे आएगी, बाबा रणछोड़ दास ने कहा था, एम आई राइट? तो आप दूसरों पे जलने के बदले, जजमेंट पास करने के बदले, आप अपने आप को अमेजिंग बनाओ, फिर देखना। और हाँ, जिस दिन लोग आपके बारे में बात करने लगे तब समझ जाना कि आप सक्सेसफुल हो गए। अगर लोग आपके बारे में आपके पीठ पीछे कोई बात कर रहा है या आपके बारे में चर्चा हो रही है, मतलब समझ जाना कि आपने कुछ तो चर्चा होने लायक काम किया है कि नहीं। देन जी फॉर गिवर्स गेन, गिवर्स गेन, जैसा बोगे वैसा पाओगे। अगर आपको चाहिए कि दुनिया आपकी इज्जत करे, पहले आप दुनिया की इज्जत करो। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत पैसे कमाने हैं, पहले आप लोगों की मदद करो। मैं नहीं बोल रहा कि भिखारियों को दान दो, पैसे दो, बट किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी नंगे को कपड़े दो, किसी बेघर का घर बसा के दो, किसी अनाथ को अनाथ आश्रम तक पहुंचाओ, या फिर गोद ले सको या उसको अच्छी फैमिली में, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। पहले दो ना, पहले दो। मैंने आज ही व्हाट्सएप पे एक मैसेज फॉरवर्ड हुआ था, वो मैं आपको बताता हूँ कि कई साल पहले की बात है, रतन टाटा एक गोल्फ कोर्स में, मुंबई में गोल्फ खेल रहे थे, और वहां दूर से नेवी के गोल्फ कोर्स पे, और नेवल ऑफिसर कुछ यंगस्टर्स को बता रहा था कि देखो पैसे बहुत लोग कमा रहे थे लेकिन इज्जत इनके जैसे लोग कमाते हैं। सो बहुत लोग पैसे कमाते लेकिन इज्जत, सो यू विल नेवर सी हिम और पीपल लाइक हिम, वो दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रोवर्सी में है, गॉसिप कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि याद रखिए, जो लोग इट्स सेड दैट व्हेन यू आर हैविंग ग्रेट माइंड, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, महान जो दिमाग वाले होते हैं वो क्या नया करना चाहिए वगैरह इसके बारे में बात करते हैं, दुनिया के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। जो एवरेज माइंड से दे डिस्कस इवेंट्स, जो साधारण दिमाग वाले होते हैं कि इधर ऐसा हुआ, वर्ल्ड वॉर हुआ, इधर अफगानिस्तान में ये हुआ वो हुआ, इवेंट्स डिस्कस करते, घटनाएं। एंड जो पुअर माइंड्स होते हैं, जो घटिया दिमाग वाले होते हैं, दे डिस्कस अदर पीपल। जो घटिया दिमाग वाले वो दूसरे लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि आप घटिया दिमाग है, साधारण है या उच्च दिमाग है, चॉइस इज योर्स। एंड इतना ही नहीं, दीजिए फिर आपको मिलेगा, गिवर्स गेन, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट चर्च का ई, अगर आपको ये सब में से निकलना है ना बात, एम्पथी, ई फॉर एम्पथी, एम्पथी दे दे, मतलब सामने वाले के बारे में कुछ जजमेंट पास करना, क्या वो कपड़े पहन के जा रही है, क्या वो औरत हो के रात को इतने बजे निकलती है, इतने बजे आती है, अरे वो उसको देखो कैसे फटे हुए कपड़े पहनता है, ये देखो कैसे हमेशा मुंह लटका हुआ घूमता है। खुद को पहले उनके जगह पर रखो, इफ पॉसिबल अपने आप को उनके जगह पर रखो, उनके एंगल से दुनिया को देखो, उनके नजर से आप देखो, फिर आपको शायद मालूम पड़े कि उनको क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, या किस वजह से वो रिबेलियस बिहेव कर रहा है, किस वजह से वो ऐसे कपड़े पहन रही है, किस वजह से वो शादीशुदा होके भी सिंदूर नहीं लगा रही है, जो सब बकवास चीज है। कुछ रीजंस होंगे, अगर आपको जानना ही है ना तो पहले एम्पथेटिक बनो, अपने आप आपका जज का जो नकाब है वो उतर जाएगा, आप लोगों की इज्जत करने लगोगे जस्ट फॉर व्हाट दे आर। और इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं, जस्ट बी योरसेल्फ, अपने आप को सुधारो, ठीक है, दुनिया बाद में सुधरेगी अगर सुधरना होगा तो। थैंक यू वेरी मच, मेरा नाम अविरत शेटे, आज का वीडियो था डोंट जज। आपके लाइफ में ऐसे जो जज है उन्हें जरूर पास ऑन कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।